वेरी वेल, तो वेलकम बैक कर लेते हैं द न्यू ब्लॉग ब्लॉग विद दिव्या मैम। यार ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले जल्दी से ब्लॉग विद दिव्या को ज्वाइन नहीं किया है वो मेरा चैनल कर लो, जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ओके यार सीन कुछ ऐसे है कि टाइम हो रहा है अभी 7:10 और लो मैं डर गई फूट पड़ना वाला जा रहा है। यार भाई रोड पे आप लोग ब्लॉगिंग बिल्कुल भी ना करें मेरी तरह। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। 7:10 है और अभी आपको पता की रात होगी और इस टाइम मेरा हुआ है लंच ब्रेक, तो अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी बेकरी पे। बेकरी नहीं है वो, एक क्या है क्या मेडिकल हमने जाना है वो सामने वाले छोटे से स्टोर में, वहाँ से मुझे लेनी है एक फीस और इसको लेनी है अमरूद कैंडी। तो आइए चलते हैं और लेते हैं एक फीस और एक अमरूद कैंडी। हाँ जी बेटा हट जाओ बेटा, अभी तुम लोग ये नहीं सोले मिली। हाँ, कितनी लेनी है? तो एक मुझे भी दिला दो यार, इतना बड़ा नोट लाइट गई। भाई बात सुने, फीस हो गई आपके पास? आई एक दो पर किसान लग गया, गजब बेइज्जती है। फीस है? चल भाई चलो ना, क्या तुम मेरी बेइज्जती कर। हाँ तो भाई यहाँ पे आ गए हम लोग छोटे से स्टोर में, ये हमारी मतलब मॉल के बराबर में एक छोटा सा स्टोर बना हुआ है। तो हम लोग कुछ खाना भी ना होता तो हम लोग यहाँ पे आ जाते क्योंकि मॉल में स्टोर नहीं बना हुआ। और मुझे भी आज पता चला है कि ये लोग जो छुप छुप के फीस खाती रहती है ना, वो लोग ये लोग यहाँ से लेकर आती हैं। तो मैंने बोला आज चलो मैं भी पूछ लेती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। तो हमें लेनी थी अभी एक चिली मिली लेनी है, उठानी है उसके लिए, चिली मिली उठानी है ना हमें। तुम यहाँ पे क्या आराम फरमा रही हो, मतलब इतनी काम चोर हो ना, तुम वहाँ पे भी बैठी रहती हो या तुम यहाँ पे भी बैठने आ गई? तुमने ले ली यार उसने, और अमरूद कैंडी भी मंगवाई थी उसने, बोला था अगर हो तो वो ले लेना, अगर नहीं हो तो फिर ले लेना। तो बस चली मेरी लेके चले। हाँ। लिस्ट लेनी है अभी। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मेरा तो दिल ना, मेरा जितना मैं कंट्रोल करने की ट्राई कर रही हूँ ना, लेकिन यहाँ पे चीज़ें देखी। अभी देख ये वाली, ये नूडल्स का हमने चैलेंज किया था, अभी कॉमेंट्स आने लग जाएंगे बाइक कार्ड बाइक कार्ड। कितने का ये तो देखो, 200 रुपए का है सिर्फ ये। अच्छा यार कितने पीस? तुमने खाया इसको? नहीं मैंने खाया नहीं। तो फिर अच्छा लग रहा है ना, चॉकलेट वाला है देखो। हाय हाय कैरेमल वाली पता नहीं कैसी होती होगी, नहीं अच्छी होती है। दिखाना कैरेमल वाली कैसी है, इसके अंदर चॉक होती है। इसके अलावा कुछ और है इसी प्राइस में? कैरेमल वाली ट्राई करके देखी तुमने, खाई है इसको? हाँ खाई है, मुझे तो नहीं अच्छी लगी देखी। अबे यार क्या करा, फीस तो मिले नहीं खाने को, मैं सोच रही जूस ले लूँ। फीस क्या ही बेचारा वो करेगा मेरा, इससे अच्छा नेस्ले का जूस ले लूँ, कमजोरी भी इतनी शदीद हो रही। और मैं सोच रही हूँ कुछ स्नैक्स ले लूँ। स्नैक्स में मैंने अपने काफ़ी दिनों से बहुत कंट्रोल किया हुआ कि ये मैं नहीं खाऊँ नहीं खाऊँ, क्योंकि मैदे का भी मसला चल रहा है अभी, मसाला भी मना है। लेकिन फिर जब ओ ये री, ये मैं ढूंढने सुबह भी आई थी मिली नहीं थी। खैर एक मैं ये ले लेती हूँ अपने लिए, बल्कि दो ले लेती हूँ। कौन से वाले? ये वाले, ये वाले। अच्छा हाँ एक ये रख के, एक ये ले लेती हूँ। सही है तुमने कुछ लेना है? बस कर दो नखरीले, तुम्हें तो चाय भी नहीं होगी ना चर्सी। A few moments later. मैं जूस वूस ले लिया, अब जा रही हूँ मैं अपना एक काम करने। तो काम करने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे कबाब जीस, तो कबाब जीस की बेकरी के अंदर चलते हैं और फिर आपको बताते हैं कि किस काम से आई हूँ। तो यार मुझे लेना है केक, लेकिन केक मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा छोटी पेस्ट्रीज है। आप मुझे बताएं कि केक की ना मुझे एक बड़ी पेस्ट्री चाहिए, तो वो है आप उसको, ये हमारी ब्राउनीज होती हैं, ठीक है वो तो मुझे पता है, ये आपकी ब्राउनीज है, ये ले सकते हैं आप, ये बकेट ले सकती हैं आप। बकेट नहीं चाहिए ना, बड़ा स्लाइस, एक स्लाइस आता है केक का बड़ा स्लाइस, तो मुझे वो चाहिए, वो है। केक तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, ला वही बात हो गई, केक लूँ या फिर वो स्लाइस लूँ? तो ये है 1 pound के केक्स। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा केक अच्छा लग रहा है? ये तो वो लाई थी ना, कौन लाई थी? किरण। ये रेड वेलवेट है ना, ये ले।
चॉकलेट चॉकलेट केक चॉकलेट केक बहुत वो नहीं हो जाएगा कड़वा कड़वा सा लगता है मुझे ये कौन सा वाला ये वाला रेड वेलवेट हम लोग खा चुके हैं नहीं इतना वो नहीं होता या तो फिर चॉकलेट फिर ये चॉकलेट ले लो ये वाला लू हाँ ना सही है तुम लोगों को कल भी खिलाना आज ही खिला देती हूँ आप ऐसा करें ये वाला निकाल दें मुझे आप कैंडल्स होती हैं आपके पास कैंडल भी नहीं है मैं क्या करूँगी केक ले लिया भाई हमने इन लोगों के लिए मुझे लेना था स्लाइस केक लेना था क्योंकि ये वाली बात मैंने आपको बाद में बतानी है क्योंकि थोड़ा सा सरप्राइज है तो मैंने सोचा फिर स्लाइस तो मिली ना तो फिर हमने पूरा एक 1 pound का केक ले लिया है ना इन नियतों के लिए थैंक यू चल तो यार अभी हमारी कैंडल्स रह गई हैं तो कैंडल्स लेने जा रही हूँ कैंडल्स और केक को देख के आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि यार कुछ तो स्पेशल है यार तो यहाँ से हमने जाना है अंदर मॉल के अंदर क्योंकि बेकरी वक्त ही नहीं मतलब पहली बार देखने की कबाब जी में कैंडल्स नहीं मिली अब यहाँ से जाना है हमने किसी स्टेशनरी की शॉप पे वहाँ से मुझे कैंडल्स पर तो यार सामने एक बेकरी नजर आ गई है वहाँ पे चल के देखना है कैंडल्स हैं कि नहीं अल्लाह करे मिल जाए वरना जो मुझे वीडियो बनानी है वो तो हो जाएगी फ्लॉप मतलब प्लान ही ऐसी तैसी हो मुझे चाहिए 2 number 2 के और 1 number चाहिए 1 का अच्छी वाली कैंडल्स है ना भाई ये हाँ दिखा दे मुझे तो इतनी पानी नहीं करनी पड़ी तो कैंडल्स मुझे मिल गई हैं शुक्र तू का नंबर है अभी कि नहीं अभी ढूंढ रहा है भाई मिल जाएगा उसको ये मत कहना कि नहीं है बिल्कुल भी वरना ये भी छोड़ के चली जाऊंगी थोड़ी थोड़ी नहीं तीनों चाहिए सुपरमैन चढ़ा पर बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है सिर्फ मेरी कैंडल्स निकालने के लिए और मिलनी भी चाहिए यार मैंने मैं ख्वार हो जाऊँ मैं किधर एक पीस की वजह से ऐसी की तैसी हो जाएगी अब मुझे बताओ इसके अलावा कहीं और बेकरी है भाई की स्माइल चेक करो बस बताओ इसके अलावा कहीं और बेकरी नहीं है नहीं। मैं क्या करूँगी अगर मुझे 2 नहीं मिलेगा तो फिर देख लो ना यार कहीं होगा इधर उधर कोने वोने में ना काम हो और ख्वारी ना हो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता वारी हो चुकी है यहाँ से मुझे जाना है दूसरे मॉल में वहाँ देखना है 2 candles हमने ले लिए अगर ये भी छोड़ देते हो तो फिर आगे से क्या मिलता है वहाँ से हमने जाना है एक और कैंडल लेना है अल्लाह करे मिल जाए इस बेचारी को भी अपने लिए खाने पीने के लिए लेना है आज मैं इससे ही बेचारी से पैसे वसूल कर रही हूँ क्योंकि मैं ATM लेके घूमती रहती हूँ मेरा ATM किधर है गिरा दे मॉल हमने एक्सप्लोर कर लिया नहीं मिला एक मेडिकल देख लिया वहाँ भी नहीं मिला अब हम जा रहे हैं किसी काका की शॉप पे इतना पूछ पाछ के अगर वहाँ पे मिल जाए अल्लाह करे मिल जाए तो भाई काका शॉप पर तो हम लोग आ गए हैं ये कोई बर्तनों वाली शॉप लग रही है अल्लाह करे यहाँ पे मिल जाए यार हद हो गई माशाल्लाह से केक हमारा मेल्ट होने वाला है थोड़ी ही देर में यहाँ पर भी नहीं मिला अल्लाह पैरों की जान बस निकलने वाली है क्योंकि कब से 1 घंटा हो गया मैं चले जा रही हूँ अब हम फिर से जा रहे हैं पहले भी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे आए अब हम जा रहे हैं दोबारा 2nd floor पे 1 hour later तो पूरे 2 ground घूमने के बाद ऊपर नीचे घूमने के बाद अब जाके हम लोग को याली प्लेस मिली है अब यहाँ पे भी पूछना है मुझे कि नंबर कैंडल नंबर वाली कैंडल है कि नहीं इन्हें ली मुझे मिल गया है 2 number लाओ दो अल्लाह नहीं नहीं सेम ही है एग्जैक्ट कलर है मसला फिर से कैश का पड़ गया पता नहीं मेरे ATM वाली तो मुझे मारो ऐसा करो ATM वाली हरकत पे 1 घंटा हमने ख्वार होने के बाद हमें कैंडल्स मिल गई है जिस मॉल में हम लोग गए थे 2 मरतबा ग्राउंड फिर 2 मरतबा 2nd floor पे जाने के बाद 1st floor से हमें ये सारी चीजें मिली है अब हम अंदर जाते हैं फिर अंदर जाके मैं आपको बताती हूँ कि सीन क्या है यार सीन कुछ ऐसे हैं कि अब मैं बताती हूँ इतना ख्वारी की वजह क्या है वजह आप लोगों को पता ही लग गई होगी कि मतलब केक है कैंडल्स हैं कुछ ना कुछ तो है और वो भी नंबर वाली कैंडल्स तो सीन इज दैट कि कल है मेरी बर्थडे यस कल है मेरी बर्थडे जिसकी वजह से मुझे बहुत ख्वारी करनी पड़ी है और एक बात मैं और बता दूं कि यार ये ख्वारी भी मतलब थोड़ा सा शो ऑफ मतलब मुझे इंस्टाग्राम की पिक्चर चाहिए तो वीडियो बनानी होती है दैट्स इट वरना मेरा कोई बर्थडे प्लान नहीं होता मेरे कोई मतलब कोई प्लान ही नहीं होता कि यार मुझे कहीं बर्थडे सेलिब्रेट करने जानी है ये वो नो एनीवे केक मैंने ले लिया है केक हमारा यहाँ पे आ गया है वैसे मुझे स्लाइस केक लेना था लेकिन कल भी इन नृत्यों को केक खिलाना था मैंने सोचा आज ही मैं खिला देती हूँ बेचारी इन मासूम मासूम से बच्चों को खैर भाई अब जो है आगे का सीन तो आपको पता है कि मुझे होना है जल्दी से प्यारा सा रेडी मेकअप मैंने किया हुआ है सिर्फ मुझे अपना आउटफिट पहनना है तैयार होके आउटफिट भी मैं आपको आज दिखाती हूँ कल वाले व्लॉग में मैंने आपको आउटफिट नहीं दिखाया था लेकिन जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है उन्होंने मेरा आउटफिट देख लिया होगा
तो बस बातें बाद में करेंगे, चलते रेडी होने। A few moments later. जी तो हो गई हूँ मैं प्यारी सी तैयार, आउटफिट तो मैं आप लोग को फटाफट से दिखा देती हूँ, वरना ऊपर जाके मुझे टाइम नहीं मिलेगा ऊपर जाके, क्योंकि मैंने आपको बताया बर्थडे के प्लान्स कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, रैंडम प्लान आया क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो देखी थी कि मुझे एक केक वाली वीडियो बनानी है, वो बहुत अभी ट्रेंड में भी चली है। खैर छोड़ो बातें, मैं बस अपनी लुक दिखाती हूँ, फिर ऊपर जाके आपको व्यू दिखाऊंगी सारा कुछ, फिर आऊंगी, केक खाएंगे हम और फिर घर जाएंगे। पागल गंजा डकी भाई में मत मिला देना प्लीज, उसकी तरह मैं बिल्कुल नहीं बोलती, नहीं मेरे पिन का ये खुल, बस आप मेरी हेल्प करें कि आप मेरा आउटफिट दिखाने की आप वो करें कैमरा पकड़ के। अभी ये मांग के मैं बैग ले रही हूँ इनका के पिक्चर आ जाए, इतना प्यारा बैग, बैग्स भी मैंने नहीं लाई और जो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना वो भी मैंने अर्जेंट लिया है आउटफिट अपना। ओके बैग पहनी मैं पहनी, चलिए अब दिखाएं, ये देखिए हसीना। ओह माय गॉश मेरी लुक आ रही है पूरी, यस देख लो गाइस ये है मेरी लुक आज पहली फुर्सत में मैंने दिखा दिया, वरना ऊपर जाके टाइम नहीं मिलना, लोग भी देखेंगे ऑकवर्ड लगेगा थोड़ा सा, तो मैंने सोचा अभी फटाफट से दिखा देती हूँ। अब हम चलते हैं सीधा ऊपर इससे पहले कि मेरा केक हो जाए मेल्ट, तो बस चलते हैं, समझ जो बोल बोल के दिमाग में दर्द हो रहा है मेरा। तो ये हमने उठा लिया केक, इसी के अंदर मेरी कैंडल्स है, माची सी नहीं ली मैंने यार, वो भी ऊपर जाके हम देखें, हाँ चाय वाले से लेंगे ताली, तो बस इसको उठाते हैं और चलते हैं। फूड कोर्ट में आ गए हमने, वहाँ पे जाना है लास्ट वाली में, बस जगह मिल जाए, लेकिन उससे पहले मुझे मांगनी है नाइफ, नाइफ भी नहीं है हमारे पास, तो ये मेटा पे आए इससे पूछ के देखते होंगे। खैर भाई नाइफ मुझे नहीं चाहिए क्योंकि जो मुझे वीडियो बनानी है वो नाइफ वाली नहीं बनेगी, तो मैं पहले यहाँ रख दूँ। तो सबसे पहले अभी हमें लेनी पड़ेगी चाय, क्योंकि चाय नहीं लेंगे तो यहाँ पे बैठना अलाउड नहीं करेंगे, लो चाय। यार जो मुझे सिटिंग एरिया चाहिए थी ना वो मुझे चाहिए थी ये वाली, नीचे लाइट्स चेक करें, ये वाला व्यू चेक करें, इससे ज़्यादा मुझे और मतलब व्यू नहीं मिलना था, वो भी स्मॉल में, इसका फूड कोर्ट ही वैसे इतना छोटा है, तो मैंने जब मैंने यही जगह देखी तो मैंने सोचा कि हम लोग यहीं पे केक कट कर लेंगे, जो वीडियो बनेगी वो व्यू यहीं पे अच्छा आ जाएगा अगर आया तो। तो ये सारे मिरर्स लगे हुए हैं नीचे की, पूरा व्यू दिख रहा है। सबीन आ जाए चाय लेके, तो बस जल्दी से केक कट करती हूँ, दिमाग में इतना दर्द हो रहा है, वीडियो बनानी है सिर्फ 10 मिनट के लिए, इतनी खुआरी, इतनी पंचायत होती है लड़कियों की, माशाल्लाह से फिर से एक खुआरी हो गई। अभी सब कुछ सारी चीज़ें लेकर आ गई हूँ लेकिन अभी भी माचिस की कमी है, जब तक माचिस नहीं होगी लाइटर नहीं होगा तो मैं कैंडल्स कैसे जलाऊंगी। फिर से मैं इनसे पूछ लेती हूँ माचिस होगी आपके पास, लाइटर भी नहीं होगा, यहाँ से कहीं मिलेगा। A few moments later. मुझे लग रहा है केक जो है मेल्ट हो गया होगा, हेल्प करोगी थोड़ी सबीन? जी। नहीं यार तुम चाय पी लो, बेचारी बच्ची बहुत मेहनत करवा रही है मेरे साथ बेचारी खा रही है। अभी तक हमें नाइफ तो खैर चाहिए नहीं थी, हमें चाहिए थी माचिस जो कि अभी तक नहीं मिली, बस केक ना मेल्ट हो गया हो बेचारा, फाड़ दे उसको, हाँ फाड़ दे इसको, निकाल ले यार निकाल लो अगर निकल रहा है तो। मतलब मॉल की मैनेजमेंट ऐसी है कि यहाँ पे जो ऊपर के इस तरह के लगे हुए तो यहाँ पे कैंडल जलाना अलाउड नहीं, साइड से बात उसका जब धुआं जाएगा तो यहाँ के साइरन्स वगैरह बच जाएंगे। खैर बहुत मुश्किलों से मैंने परमिशन लिया उनसे कि प्लीज़ मुझे करने दे, मेरी एक वीडियो का सवाल है जिसकी वजह से मैंने इतनी ख्वारी की है, तो बस माचिस आती है और बनाते हैं। शुक्र अल्लाह का कि एक माचिस मिल गई, एक माचिस की वजह से इतना रुल्ला पड़ जाता। अब कैंडल्स खोलने जल्दी जल्दी से, बस मेरी वो वाली वीडियो कंप्लीट हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बेचारी सबीन इतनी मेहनत करी है, थैंक यू यार सबीन, कोई बात नहीं। अच्छा कैसे लगाना है, ऐसे लगाना? हाँ ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओगे ना? हाँ ऐसे लगाओ, ऊपर से पकड़ो ना थोड़ा, सही सही है बिल्कुल, 21 नजर आ रहा है, 21 आराम से, थोड़ा दूर दूर बैठे लगाओ ना, बस सही है, सही है, हाँ चलो फाइनली बहुत देख के, जल्दी से बंद कर देना, नहीं हो रहा, अल्लाह चलाओ, बस सही चलाओ।
फाइनली जो वीडियो बनी थी वो हमने बना ली है. अब टाइम भी हो रहा है मेरा जाने वाला, तो इससे पहले टाइम ज़्यादा हो हम चलते हैं जल्दी जल्दी से नीचे. बेचारी ये भी भूखी है, मैं भी भूखी हूँ. मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया सिर्फ एक केक के चक्कर में. बेचारी वो लोग भी इंतजार कर रही हैं. अन्नी पारी बच्ची आई है मुझे से बर्थडे विश करने. बर्थडे विश करने आई हो आप मुझे? आओ हैप्पी बर्थडे बोल दो मुझे. भाई अब शॉप में आ गए हम. जल्दी जल्दी से केक कटिंग करते हैं और फिर निकलने की भी तैयारी करते हैं. बहुत ज़्यादा देर हो गई, भूख भी इतनी लग गई. बेचारा केक भी बोल रहा होगा कि किसके हत्ते चढ़ गया मैं, इतना मेल्ट हो रहा है. नाइफ दे दें आप प्लीज. नाइफ में कहाँ से लाऊं यार, मेरी मोहब्बत में कहीं से भी लिया है आपने. मुझे बर्थडे विश भी नहीं. अच्छा अभी तो मेरी बर्थडे स्टार्ट ही नहीं हुई है भाई. अच्छा मैं नीचे से लेके आ रही हूँ, ठीक है? चलो भाई, किरण इतनी प्यार से मोहब्बत से एक स्पून ही लेकर आई है मेरे लिए, क्योंकि नाइफ यहाँ पे है नहीं, तो हमने सोचा बस अब जल्दी जल्दी से स्पून से ही कट करते हैं. थैंक यू यार, थैंक यू. पप्पी ले लें आप. तो भाई यहाँ पे केक मर्डर पूरा टाइम हो चुका है, पीसेस हो चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. आप भी खाएँ और खा के बताएँ बर्थडे विश. फिर से बर्थडे विश नहीं किया आपने मुझे? हैप्पी बर्थडे टू यू. अल्लाह पाक आपको खुश रखे. अगले साल आप अपने हस्बैंड के साथ बर्थडे मनाएं. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. मैं भी अपने हस्बैंड के साथ आऊं इंशाल्लाह, पहली फुर्सत में इंशाल्लाह. तो यार केक हो गया, ड्रेसिंग हो गई, वीडियो हो गई, पिक्चर्स हो गई, सब कुछ हो गया. इतनी खुआरी हो गई कि मैं क्या बताऊँ. मेरा काम हो और खुआरी ना हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता. ठीक है, साथ करते हैं आज के व्लॉग का दी एंड. तो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा. तो यार जाते जाते जिसने मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरा चैनल करो, जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी व्लॉग में तभी अभी एक व्लॉग अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आ जाए सीधी आपके पास. तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए यार मेरा साइन बोल दो. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. जाओ यार.